बॉलीवुड में जब एक्शन हीरो की बात होती है तो सबसे पहले सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स का नाम आता है। लेकिन अब लगता है कि ये ट्रेंड बदलने वाला है। बॉलीवुड में एक नया एक्शन हीरो आ चुके हैं जिनका नाम अब एक्शन हीरो के लिस्ट में शामिल होने वाला है, और ये एक्शन हीरो कोई और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ है। जी हाँ गाइस, टाइगर ने बॉलीवुड में फिल्म हीरोपंती से कदम रखा था। टाइगर श्रॉफ को उनके डांस के साथ साथ फिटनेस के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। जी हाँ गाइस, बागी 2 के एक्टर टाइगर श्रॉफ अब बॉलीवुड में नया एक्शन हीरो बन गए हैं। जल्दी टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 2 में नजर आने वाले हैं, जिसके लिए फैंस बेहद ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस फिल्म का बेसब्री से भी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म बागी 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया है और इस फिल्म में टाइगर अपने पुराने रोमांटिक और एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं। वही फिल्म बागी में भी टाइगर के एक्शन अवतार को लोगों ने खूब पसंद किया था। कुछ स्टार्स ने तो यहाँ तक कह डाला है कि टाइगर जैसे एक्शन हीरो आज तक बॉलीवुड में नहीं आया है। अपने दमदार एक्शन के जरिए टाइगर बॉलीवुड के एक्शन हीरोज को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वही साथ ही ये बताया जा रहा है कि वो अपनी फिल्मों में सारे खतरनाक स्टंट्स खुद करते हैं। इस फिल्म में भी उनका एक्शन पैक्ड अवतार काफी पसंद किया जा रहा है। बागी 2 फिल्म में उनकी गर्लफ्रेंड दिशा पटनी भी साथ होगी और ये फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज होने वाली है। सुल्तान सलमान खान अपनी जिंदा दिली से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। इसका सबूत उनकी फिल्मों की कलेक्शन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। चाइना के लोगों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया है। दरअसल गाइस, आपको बता दें कि सलमान खान के फिल्म बजरंगी भाईजान को 2 मार्च को चाइना में रिलीज किया गया और फिल्म को चाइना के दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। सलमान खान के ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान चाइना में पहले ही दिन सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान को चाइना में 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ये फिल्म पहले ही दिन 2.8 मिलियन का बिजनेस किया है। फिल्म पहले ही दिन आमिर खान की फिल्म 3 इडियट का 2.20 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रही है। पहले चाइना में जहां आमिर खान का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, तो वही अब सलमान खान इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस तरह से यही फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बता दें, इस फिल्म में सलमान खान के साथ हर्षाली मल्होत्रा भी अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के प्रीव्यू शो को भी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। आपको बता दें कि उम्मीद है कि सलमान खान वहाँ 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेंगे। फिलहाल आमिर खान के सीक्रेट सुपरस्टार भी चाइना में 750 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है और अब भी तहलका मचा रही है। वही आमिर खान की फिल्म दंगल और 3 इडियट्स ने भी चाइना बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। हालांकि अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सलमान खान की ये फिल्म चाइना में कितने करोड़ का कारोबार कर सकती है। तो गाइस, इस पर क्या है आपकी राय, ये हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में और बॉलीवुड टशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। Please subscribe, Bollywood Tashan. Also, don't forget to press the bell icon and never miss any filmy Bollywood update. Stay with us.